आधुनिक मानव और आदि मानव का विकास दोनों ही समान अंतर है, यानी मानव प्रजाति की गिनती आधुनिक युग में सबसे समझदार प्राणी के रूप में मानी जाती है। धरती पर उपलब्ध सभी जानवरों के विपरीत मानव अनेक तरह की गतिविधियों में सम्मिलित रहता है जिससे वो अपने कार्यों को करता है, यानी मानव जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर प्लेस्टोजीन युग के आरंभ से मानी जाती है। इसी समय अनेक प्राणी यानी स्तनपायी जीव जैसे मैमल्स आदि का भी विकास हुआ था। अधिकतर वैज्ञानिक और इतिहासकारों के अनुसार आज से लाखों साल पहले नर वानर यानी आदि मानव जिसे प्राइमेट कहा जाता है इसके रूप में इनकी उत्पत्ति हुई थी। पहले या बंदरों जैसे दिखने वाले प्राणी वृक्षों पर रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ यह नर वानर प्रजाति वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलने लगे थे और पृथ्वी पर ही निवास करने लगे थे और इसी तरह से ही उनमें मानव जैसे गुण आने लगे थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह और विकसित होने लगे, लेकिन ऐसा माना गया है कि इसी समय होमो इरेक्टस आदि मानव का जन्म हुआ था। होमो इरेक्टस का मतलब है सीधे चलने वाले बंदर जैसे दिखने वाले मानव। यह होमिनाइड की एक विलुप्त प्रजाति थी जो कि अधिकांश समय के साथ साथ आधुनिकता की ओर बढ़ने लगे थे। इसका पहला जीवाश्म का सबूत 19 लाख साल पहले का माना जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि होमो इरेक्टस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे फैलते चली गई थी। यह पलायन करते हुए पूरे एशिया में दूर दूर तक फैल गए थे। शुरुआती समय में ये आदिवासी खानाबदोश जीवन जीते थे, यानी भोजन और आश्रय की तलाश में घूमते रहते थे। पेड़ों के फलों व जानवरों के शिकार पर वह ज्यादातर जीवन प्रयोग में लाया करते थे। इनका जीवन शिकार व फलों के खाद्य संग्रह पर निर्भर था, इसलिए इस काल को खाद्य संग्रहण काल भी कहा जाता है। पानी के लिए आदि मानव नदी और झरनों पर निर्भर रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपना जीवन बिताया करते थे।